हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 11.3, क्लास 8, एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको 11.3 का बेसिक्स करवाया था, मैंने आपको क्यूब पढ़ाया, मैंने आपको क्यूबॉइड पढ़ाया। अब बच्चों, हमारी जो फिगर है वो है सिलेंडर। आपके सामने यहाँ पर सिलेंडर बना हुआ है, देखो ध्यान से देख सकते हो। मैं अब आपको इस सिलेंडर के बारे में बताता हूँ, शेप के बारे में। सिलेंडर की अगर आप शेप देखोगे ना बच्चों, सिलेंडर के ऊपर भी सर्कल होता है और सिलेंडर के नीचे भी सर्कल होता है। ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल एग्जैक्टली सेम होता है, एकदम सेम होता है। आप लोगों ने कुछ ग्लास देखे होंगे ना, ग्लास में ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल एग्जैक्टली सेम होता है, तो वो सिलेंडर शेप के ग्लास होते हैं। और कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर का सर्कल तो बड़ा होता है लेकिन नीचे का सर्कल उसके हिसाब से थोड़ा छोटा होता है। ऐसे ऐसे भी हमारी फिगर होती है, इनको सिलेंडर नहीं कहते। इसमें ऊपर वाला सर्कल तो बच्चों है बड़ा और नीचे वाला सर्कल है थोड़ा छोटा। ऐसी शेप को हम कहते हैं फ्रस्टम, जिसको आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। सिलेंडर के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सिलेंडर हैज टू सर्कल्स, वन इज एट टॉप एंड अनदर इज एट द बॉटम। तो जैसा कि मैंने जो आपको हिंदी में बोला उसी को मैंने इंग्लिश में लिख के दिखा दिया। एक सिलेंडर के पास दो सर्कल होते हैं, एक तो वन इज एट टॉप, एक जो होता है वो तो टॉप पे होता है, एंड अनदर मतलब दूसरा वाला जो होता है वो बॉटम पे होता है, मतलब कि नीचे होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आई होप आपको। एंड बोथ आर इक्वल, बोथ सर्कल्स आर इक्वल, दोनों सर्कल क्या होते हैं, इक्वल। बोथ सर्कल्स आर इक्वल, ये दोनों के दोनों सर्कल ना बच्चों बराबर होते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं ऊपर वाले का रेडियस है, रेडियस का मतलब देखो क्या होता है, सर्कल के सेंटर से बाहर की बाउंड्री। अगर ऊपर वाले का रेडियस ना बच्चों मैं आपको बोलता हूं चार है, कितना है चार, तो नीचे वाले का रेडियस भी कितना होगा बच्चों, चार, एकदम सेम होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो चलिए बच्चों, अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके फॉर्मूले भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, फॉर्मूले करते हैं इसके। चलिए देखते हैं फॉर्मूले क्या है। सबसे इसका पहला फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, जो कि होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। माने कि बच्चों ये जो सिलेंडर है ना आपका, इसका वॉल्यूम, बेटा इस फॉर्मूले को तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों आप लोगों को पता हो कि इस फॉर्मूले को यूज कहां करते हैं, है ना। अब यार फॉर्मूले को तो कोई भी रट लेगा। देखो जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सिलेंडर की ना ये ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो होता है ऊपर से लेकर नीचे तक ये होता है, इसे हाइट कहते हैं। ठीक है, और रेडियस तो आपको पता है आर को रेडियस कहते हैं। ये रेडियस और ये रेडियस बराबर होगा। ठीक है, और एक चीज ना और बताता हूं मैं आपको, अगर ना सिलेंडर लेटा हुआ है, अगर सिलेंडर क्या हुआ, लेटा हुआ है, देखो कुछ ऐसे है सिलेंडर, मान लो सिलेंडर कुछ ऐसे है आपका, ये लेटा हुआ सिलेंडर है मान लो। अगर सिलेंडर लेटा हुआ है तो बच्चों ये जो हमारी है ना, जिसको हमने हाइट बोला था, देखो इसको अगर मैं खड़ा कर दूं तो हाइट होगा ना, देखो ये सिलेंडर, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो हाइट है ना। अगर सिलेंडर लेटा होता है तो हम इसे बोलते हैं लेंथ। बस इस चीज को ध्यान रखना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेंडर खड़ा है या लेटा है? अगर क्वेश्चन बोलता है आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब आपका सिलेंडर इस तरह से खड़ा है। ठीक है, और अगर आपको सिलेंडर के बारे में डिटेल दी हुई है और लेंथ बता रखा है, या सिलेंडर में लेंथ कब का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सिलेंडर लेटा हुआ होता है। और डोंट बी वरी, वो आपको फिगर्स भी देगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे हमारा सिलेंडर लेटा है या खड़ा है। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है फॉर्मूला, लेकिन ये यूज कहां पर होता है। जैसे मान लो बच्चों मेरा मार्कर अगर आप देखोगे ना, सिर्फ यहां तक देखो, मेरा मार्कर जो है सिलेंडर के आकार का है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं ध्यान से देखना बच्चों, इस मार्कर का वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये मार्कर एयर में कितनी जगह ले रहा है। देखो हवा पूरी खाली है, अब हवा में अगर मैंने इसको रखा है सिलेंडर के, हमारे शेप के, हमारे मार्कर को, तो आपको पता है मार्कर हवा में कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है ना, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हवा में जगह ले रहा है। तो ये कितनी जगह लेता है हवा में, अगर हमें ये जानना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, मेरी ये जो शिपर बॉटल है ना बच्चों, ध्यान से, क्या ये सिलेंडर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। बट अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर वाले का सर्कल है बड़ा और नीचे वाले का सर्कल है छोटा, और ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रस्टम। और ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों वहीं पर अगर मैं दूसरी जगह आपको, मैं ये ढक्कन दिखा रहा हूं, नॉर्मली मान लीजिए इस ढक्कन को अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा ऊपर भी एक सर्कल है और ये नीचे भी एक सर्कल है, और ये दोनों सर्कल बराबर है। अगर ये दोनों सर्कल बराबर है तो हम इसे क्या बोलेंगे? कोन। क्या बोलेंगे? सॉरी, सिलेंडर बोलेंगे। सॉरी बच्चों, सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा मेमोरी कार्ड मेरा भी ढीला हो गया आजकल। चलिए, ये तो पता चल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का इस्तेमाल कहां पे होता है। हमारा सिलेंडर हवा में कितनी जगह ले रहा है, कितना स्पेस लेता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे जानने के लिए अलग फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला है बच्चों हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम एक और चीज कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसे निकालने का मतलब क्या है, पहले इसका फॉर्मूला बताता हूं। इसका फॉर्मूला आपका होता है 2πRH, 2πRH इसका फॉर्मूला है। सर ये होता क्या है बताता हूं। जैसे कि मान लो, लेट सपोज बच्चों, मान लो सिलेंडर, मेरी ये शिपर है ना, इसको सिलेंडर मान लो, मानने में क्या जा रहा है। अच्छा एक मिनट, जाना, अच्छा मिल गया, चलो ठीक है। लेट सपोज बच्चों, मान लो ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है, थोड़ा बहुत लगभग लग भी रहा है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में अगर बात है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, से लैटरल भी पढ़ते हैं बच्चे आप, लेटरल, मैं तो लेटरली बोलता हूं, लैटरल ऐसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है। अगर हमें सी एस ए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, एल एस ए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही है, अगर हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला तो ये है, लेकिन ये निकालता क्या है देखो ध्यान से, ये पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये जो पार्ट है ये वाला, ये पोर्शन, ऊपर का सर्कल नहीं, नीचे का नहीं, क्योंकि कर्व्ड में मैंने आपको बोला था ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम नहीं लेते। ऊपर का जो टॉप है वो भी नहीं आएगा, नीचे का जो बॉटम है वो भी नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, देखो देखो जिस पर मैं हाथ रख रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आएगा। इसे कहते हैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब आगे हमारा अगला फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों मतलब एक ही है। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट में R प्लस H, ये होता है इसका फॉर्मूला, 2πR ब्रैकेट के अंदर R प्लस H। अब ये क्या निकालता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। बेटा देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, इस पूरी बॉटल को, मेरी शिपर को सिलेंडर मान लो, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो इसमें टॉप ऊपर का सर्कल भी आएगा, नीचे वाला सर्कल भी आएगा, और ये पूरा का पूरा ये पार्ट भी आएगा, पूरा कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब सब, ऊपर का टॉप वाला सर्कल भी आता है, नीचे का बॉटम वाला सर्कल भी आता है, और ये जो साइड साइड में जो ये पूरा पार्ट दिख रहा है ना कर्व्ड पार्ट, ये पूरा का पूरा ये पार्ट भी आता है, तो टोटल में सब आता है, ठीक है। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये। तो मैंने आपको बेसिक्स में बता दिया कि वॉल्यूम का मतलब हमारा ये जो सिलेंडर है वो हवा में कितनी जगह ले रहा है। अगर ये जानना है तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। अगर मैं बोलता हूं मुझे ऊपर वाले सर्कल का एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया, और ये पूरा का पूरा पार्ट ये निकालना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल नहीं लेना, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस बेसिक्स में, तो जल्दी से इस फिगर को उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो 11.3, बच्चों बेसिक्स आपका ना कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली मेरा आपका कोन है नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको कोन के बारे में इतना पढ़ाया भी नहीं, लेकिन क्लास 9th में आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को जानने की बहुत जल्दी है, हमें सारी फिगर्स पढ़नी है, तो प्लीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि क्लास 9th की एक वीडियो है
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक्स देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी फिगर्स पढ़ने को मिलेगी दोबारा से, क्यूब क्यूबॉइड कोन सिलेंडर हेमिस्फीयर स्फीयर सारी की सारी फिगर्स, ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए 11.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं अच्छे से क्वेश्चन को और करते हैं, ठीक है। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखो दो बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा, इसको ध्यान से देखो, इस लंबे वाले को बोलते हैं लेंथ, छोटे वाले को बोलते हैं ब्रेथ, और ये जो एकदम सीधा खड़ा है इसे बोलते हैं हाइट, मैंने आपको बताया था बेसिक्स में। और देखो इसमें तो सारे एज बराबर है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो ये क्यूब है। तो हमारे पास बच्चों दो बॉक्स है, एक तो हमारा बॉक्स है क्यूबॉइड और दूसरा बॉक्स है हमारा बच्चों क्यूब, क्लियर है पक्का। इसको क्यूबॉइड बोल देता हूं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं क्यूबॉइड। और जो बच्चों हमारा दूसरा बॉक्स है ना बच्चों, ये वाला जो बॉक्स है इसको हम लिख देते हैं क्यूब, ये हमारा क्यूब है। चलिए आगे देखते हैं, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब कि कौन सा बॉक्स ऐसा है जिसे बनाने में, जिसको बनाने के लिए, मेक करने के लिए कम मटेरियल लगेगा। यार एक बात बताओ, एक काम करते हैं ना, इस क्यूबॉइड को ले लेते हैं, जैसा कि क्यूबॉइड के एग्जाम्पल के लिए मेरे पास छोटा सा यही पड़ा हुआ है मेरा, ये क्यूबॉइड के शेप का, अगर मुझे इसे बनाना है तो मटेरियल को कहां कहां लगाऊंगा, ऊपर वाले टॉप पे लगाऊंगा, नीचे वाले बॉटम पे लगाऊंगा, फ्रंट वाले फेस पे लगाऊंगा, बैक वाले फेस पे लगाऊंगा, राइट वाले फेस पे लगाऊंगा, लेफ्ट वाले फेस पे लगाऊंगा, हर जगह लगाऊंगा ना, माने कि जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, समझ जाओ, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही तो मटेरियल लगेगा। मान लो जैसे इस फेस को देखो, मान लो इस फेस का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, मान लो इस वाले फेस का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, तो अगर इधर मटेरियल लगेगा तो वो भी तो 5 मीटर स्क्वायर का लगेगा ना बच्चों, है ना। तो बताओ कहां कहां मटेरियल लग रहा है, टॉप पे लग रहा है, बॉटम पे लग रहा है, फ्रंट पे लग रहा है, बैक पे लग रहा है, राइट पे लग रहा है, लेफ्ट पे लग रहा है, सारे फेस पे लग रहा है ना, तो इसमें कितना मटेरियल लगेगा जानने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे या सीएसए निकालेंगे, दीक्षा आप बताइए। टोटल सरफेस एरिया, क्लैप फॉर हर। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, दीक्षा कुमारी ने बहुत अच्छा बताया, पहली बार इन्होंने सही आंसर दिया बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, मटेरियल मटेरियल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टू मेक क्यूबॉइड बॉक्स, क्यूबॉइड बॉक्स। बच्चों कितना मटेरियल लगेगा क्यूबॉइड वाले बॉक्स को बनाने के लिए, तो कैसे पता करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, जितना इस पूरे डब्बे का टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही मटेरियल लगेगा इसे बनाने में। तो चलिए देख लेते हैं, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, हमें टोटल सरफेस एरिया बताएगा। इस लाइन को समझना बच्चों, मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक क्यूबॉइड बॉक्स, कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए क्यूबॉइड बॉक्स को, जितना उसका टीएसए होगा उतना ही, तो दोनों बराबर है। इक्वल की जगह बच्चों इस इक्वल को ना थोड़ा सा खिसका के यहां लिख रहा हूं, आप बोलोगे सर इक्वल के नीचे इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे मेरे पे जगह नहीं है फॉर्मूला लिखने की, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना उठा के थोड़ा यहां लिखते नीचे, ठीक है। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो मयंक मोहन बताएंगे। चलिए मयंक मोहन के तो उड़ गए हैं बत्ते गुल, तो इसको पूर्वी कुमारी बताएगी। टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रैकेट लेंथ। गलत बोला, सॉरी 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 बच्चों, मैंने नाम गलत बोल दिया, पूर्वी गंचियापड़ नाम है इस बच्ची का, तो ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं बेटा, आपने बहुत सही नाम, आपने बहुत सही बताया। एक काम करते हैं, टू के नीचे टू लिखते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ध्यान से सुनना, उसने बोला है लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो। देखो लेंथ और ब्रेथ को क्या हो रहा है यहां पर, देखो लेंथ और ब्रेथ के बीच में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं ना, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है ना। जब देखो जैसे लेट सपोज ए और बी के बीच में कुछ है, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, ए और बी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, वेरिएबल्स में तो ऐसा ही होता है। तो बहुत बढ़िया बेटा, जैसा कि आपको पता है पूर्वी ने बहुत अच्छा, पूर्वी मैं पूरे स्टूडेंट्स का कंप्लीट नाम लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके बताना है। ये रही बच्चों लेंथ, देखो ध्यान से, ये रही लंबी वाली लेंथ, और ये जो इधर को जा रही है शॉर्ट वाली, ये ब्रेथ है, और जो एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है ना बच्चों, इसे हम हाइट कहते हैं। लेंथ है हमारी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400
सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ये आया कैसे? ठीक है, प्लस की जगह पर बच्चों प्लस बना दिया। अब हमें ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ को और हाइट को। ब्रेथ बच्चों ये रही, हाइट बच्चों ये रही। 40 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2000, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करोगे तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहां प्लस दिख रहा है तो यहां पर प्लस लगा देते हैं। अब बच्चों हमें हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। हाइट हमारी क्या है आप देख सकते हैं, हमारी हाइट अगर आप देखेंगे तो ये रही 50 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी देख सकते हो आप ये रही 60 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, देख लो आपको पता है ना कैसे करा है मैंने, क्लियर है ना, पक्का डाउट तो नहीं? चलो ठीक है, बोर्ड मैथ्स कहता है तो पहले तो सबको जोड़ लो, ब्रैकेट को सॉल्व करो, इन सबको जोड़ोगे तो 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बच्चों मैंने इस वाले को इस वाले को इस वाले को सबको ऐड कर दिया, ये आ गया। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से होता है मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चों इस पूरे बॉक्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया, बहुत इजी था, सिंपल था। तो चलो अब देखते हैं हमारा अब इस क्यूब वाले बॉक्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक क्यूब बॉक्स। बच्चों यहां पर देखो क्या बोला है, कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए क्यूब बॉक्स। भाई क्यूब बॉक्स भी सिंपल वही है यार, ऊपर टॉप पे भी लगेगा हमारा मटेरियल, नीचे बॉटम पे भी लगेगा, फ्रंट पे लगेगा, बैक पे लगेगा, राइट पे लगेगा, लेफ्ट पे लगेगा। तो अभी शर्मा आप बताओ मटेरियल को जानने के लिए कि कितना मटेरियल लगेगा क्यूब वाले बॉक्स को बनाने के लिए, उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे या सीएसए? टीएसए, टीएसए मैं कह रहा हूं, सरफेस एरिया निकालेंगे, वो भी बात एक ही है, टीएसए और ऐसे ही तो एक ही होता है। तो बच्चों जितना उसका टीएसए होगा उतना ही मटेरियल लगेगा। चलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो है कौन बताना चाहेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये मयंक मोहन बताना चाहते हैं शायद से, और ये फिर दोबारा निराश होते हुए नहीं बता पाए। चलिए बेटा अभी शर्मा बताइए, 6a² बेटा, वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6a² ठीक है। 6 की जगह पर बच्चों 6 आ गया, बच्चे बोलेंगे ए क्या है? बेटा मैंने आपको बता रखा है बेसिक्स में ए किसे कहते हैं, इसी एज को ए कहते हैं। 50 सेंटीमीटर है, ए का हमें होल स्क्वायर करना है, तो 50 सेंटीमीटर का कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए आपको बेसिक्स में पढ़ा रखा है ना मैंने, किसे कहते हैं? क्यूब के सारे एज बराबर होते हैं और उन्हें किससे डिनोट करते हैं? ए से। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 6 × 30, और यहां पर इसकी एक जीरो आ गई, और ये तो आ गया आपका 6 × 30 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एक बॉक्स है जिसे बनाने के लिए हमारा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, ठीक है, और एक बॉक्स है जिसको बनाने के लिए हमारा यहां पर आप देख सकते हो, जिसको बनाने के लिए हमारा कितना मटेरियल लगेगा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है कौन से डब्बे को बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए, तो हम सबको पता है क्यूब बॉक्स, लिख देते हैं क्यूब बॉक्स रिक्वायर लेसर मटेरियल टू मेक। तो बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि कौन से डब्बे को बनाने के लिए कम मटेरियल लगेगा, तो आप देख सकते हो भाई बड़ा वाला क्यूबॉइड बॉक्स बनाने के लिए तो इतना मटेरियल लगेगा, और छोटा वाला क्यूब बॉक्स बनाने के लिए इतना, तो कम मटेरियल तो इसमें लग रहा है क्यूब में, हमें देखने में तो यही लग रहा है ना बच्चों। अच्छा इसे बनाने के लिए तो हमारा यही लग रहा है, चलिए तो ठीक है जल्दी से इसे उतारिए, देखें कुछ गलत तो नहीं बच्चों, एक बार देख लेते हैं, चलिए देखते हैं चेक करते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक निकल के आई है, देखो ध्यान से देखना, 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं, देखो छोटी सी गलती और कितना प्रॉब्लम हो जाता है, तो जल्दी से इसे कर देते हैं। देखो ध्यान से, 6 पहले 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से करते हैं तो देखें कितना ना, 60 60
15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा मटेरियल इस क्यूब वाले बॉक्स को बनाने के लिए, और क्यूबॉइड को बनाने के लिए 14,800। तो अब तो बाजी पलट गई। तो इसका मतलब बच्चों क्यूब नहीं, क्यूबॉइड वाले बॉक्स को बनाने के लिए सबसे कम मटेरियल चाहिए। क्यूबॉइड बॉक्स रिक्वायर लेसर मटेरियल टू मेक। सिंपल, एक वहां छोटी सी गलती थी हमारी, तो प्लीज बच्चों से जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हमारा अ सूटकेस, माने कि एक सूटकेस है जिसका मेजरमेंट दे रखा है बच्चों ये रहा। अगर किसी फिगर का इस तरह से मेजरमेंट दे रखा हो ना, तो पहले वाले को बोलते हैं लेंथ, दूसरे वाले को बोलते हैं ब्रेथ, और तीसरे वाले को बोलते हैं हाइट। ठीक है, और जिसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट हो उस फिगर को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं अपना क्यूबॉइड वाला सूटकेस, और सूटकेस तो सिर्फ एक ही है और वो भी क्यूबॉइड के शेप का। तो अपना सूटकेस तैयार हो रहा है बच्चों, ऐसे बनाना बैग, हाथ पकड़ना ऐसे, हाथ पकड़ना हैंडल में आ गए हैं लोग। बच्चों इस हैंडल को भूल जाना, ये हैंडल तो मैंने अपनी तरफ से कलाकृति बना दिया। ये हमारा सूटकेस है, और हमारा सूटकेस जो है ना बच्चों क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अटैची है ना, अब तो बंद भी हो गई, अब तो ज्यादा बैग चल रहे चले, पहले अटैची हुआ करती थी, और वो कौन सी शेप की होती थी, क्यूबॉइड। तो बच्चों क्यूबॉइड में मैंने आपको जैसा कि बताया, ये जो पहले वाला पार्ट होता है ना, जब भी ऐसे तीन बार इंटू करके दे दे, पहला वाला लेंथ होता है उसे लेंथ की जगह पर रखते हैं, दूसरा वाला ब्रेथ होता है उसे ब्रेथ की जगह पर रखते हैं, और तीसरा वाला हाइट होता है उसे हाइट की जगह पर रखते हैं। ठीक है, देखने में देखने वाला अलग अलग रहा है, 24 सेंटीमीटर बड़ा हो गया 48 छोटा, बताओ है? कोई बात नहीं, चलता है, छोड़िए। बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा क्यूबॉइड है, इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लोथ। हम ना इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड पे टारपोलिन का कपड़ा चढ़ा रहे हैं। यार एक बात बताओ, मेरा सूटकेस है क्यूबॉइड शेप का, अगर मैं इस पे टारपोलिन चढ़ाऊंगा तो कहां कहां चढ़ाऊंगा भाई? टॉप को भी कवर करूंगा मैं, टॉप कवर करूंगा, बॉटम कवर करूंगा, फ्रंट कवर करूंगा, सॉरी बैक कवर करूंगा, राइट कवर करूंगा, लेफ्ट कवर करूंगा, कितना टारपोलिन मुझे लगेगा इसे कवर करने के लिए भाई? जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैं बांट रहा हूं, पहले तो आप ये पता करो कि कितना टारपोलिन लगेगा हमारा एक सूटकेस के लिए। देखो टारपोलिन रिक्वायर्ड टू कवर अ सूटकेस। तो बच्चों कितना टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी अगर हम कवर करते हैं एक सूटकेस को? जितना सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया होगा। भाई टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि टारपोलिन तो ऊपर वाले टॉप को भी कवर करेगा, बॉटम को भी कवर करेगा, ये फ्रंट को कवर करेगा, पीछे वाले बैक को कवर करेगा, राइट को कवर करेगा, लेफ्ट को कवर करेगा, हर किसी को कवर करेगा ना, तो सारे फेसेस को कवर कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो बढ़िए बच्चों इस इक्वल को यहां बना लेते हैं, ध्यान से लिखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कौन बताएगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया पूर्वी घनचापण बताएंगे हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेटा बताइए जल्दी से, टू ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेथ, एक मिनट बच्चे, टू ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, हाइट इनटू लेंथ, ब्रैकेट क्लोज। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बताया, इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया बच्चों, टू की जगह पर टू, ब्रैकेट ओपन, लेंथ को ब्रेथ से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अरे बच्चों हंसा क्यों रहे हो यार आप लोग मुझे, है? देखो बच्चों ध्यान से, लेंथ ये रहा और ब्रेथ ये रही, लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके लिखना है भाई, कर दे 8 8 64, 8 4 32 और 6 38 और एक 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कर दिया मैंने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई, अब प्लस की जगह पर बच्चों आ जाएगा प्लस, अब बच्चों ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई, देखो ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना, तो इसे भी कर लेते हैं, कितना कितना टाइम लगेगा, ज्यादा थोड़ी लगेगा, 8 4 32, 8 2 16 और 3 19, 2 19 हो गया और 4, चलो ठीक है, 4 4 16, 4 2 8 और 6, 96 और 19, 9 6, 96 और 19, 9 6 15 और 11, 115,
सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। ये भी कर दिया, प्लस की जगह पर आ जाएगा बच्चों प्लस। अब हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, हाइट बच्चों ये रही, लेंथ ये रही, 8 4 32 80 16 तो 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। दीक्षा कुमारी और पूर्वी गंज्यापड़ काफी कोशिश करते हैं कि वो मुझसे पहले कर लें, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की जगह पर 2 आ गया, ठीक है। वैभव पांडे अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वालों को जोड़ेंगे, तो जल्दी से इसे जोड़ लेते हैं बच्चों। चलिए आप लोग जोड़िए, कोई बात नहीं, कितने जल्दी आता है देख लेते हैं। आ गया ये, एक बार बच्चों जोड़ लेना, क्या पता मैं गलत करूं। जोड़ लिया बच्चों आप लोगों ने, बेटा एक बार जोड़ने की कोशिश तो करते थोड़ा सा आप। वैसे तो पूर्वी गंज्यापड़ और ये दीक्षा कुमारी और वैभव पांडे, अभि शर्मा, बेटा आप नहीं जोड़ना कोशिश करेंगे, चलिए कोशिश करिएगा। 2 2 4 2 1 2 2 9 18 2 6 12 13 थोड़ा गलत आ रहा है बच्चे। 3 8 4 0 1 1 5 2 1 9 2 0 डरा रहे हैं अरे तो। 8 9 10 बिल्कुल सही करा है मैंने, आप लोग तो खाली पीली गलत कर रहे हैं, क्या कह रहे बेटा। तो बच्चों हमें पता चल गया, एक सूटकेस को अगर हमें कवर करना है, ध्यान से सुनना, अगर हमें एक सूटकेस को तारपोलिन से कवर करना है तो कितना तारपोलिन लगेगा, इतना। लेकिन हमारे 100 सूटकेस कितने हैं, 100 सूटकेस हैं, ध्यान से सुनना, एक सूटकेस को कवर करने के लिए इतना तारपोलिन लगेगा। हमें पता क्या करना है, तारपोलिन requires to cover 100 सूटकेस, मतलब कि 100 सूटकेस को कवर करने में कितना तारपोलिन लगेगा, एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना तारपोलिन, एक पूरे सूटकेस को अगर मुझे तारपोलिन से कवर करना है तो कितना तारपोलिन लग रहा है, बताइए बेटा, आप बताइए कितना तारपोलिन लग रहा है। 6 9 1 2 वेरी गुड बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मयंक मोहन आप बताइए कितना लग रहा है। 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा आपकी बत्ती तो यही गुल हो गई मुझे लग रहा है, नीचे बढ़ना ही नहीं है। 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर तारपोलिन लग रहा है। तो 100 सूट केसेस के लिए देखो, एक का आपको पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत गहराई से, सारे के सारे जो वीडियो सुन रहे ना, जरा कान और दिमाग दोनों खोल लो। एक का आपको यहां पर पता है, आपको एक से ज्यादा का निकालना है, ऐसे केस में हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई। तो याद रखना हम क्या करेंगे, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 13,824 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया भैया कितना तारपोलिन लगेगा हमारा, यहां पर लगा रखा है 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगेगा आपका तारपोलिन, इतना अगर आप लेकर आ रहे हो तो, इतना 100 सूटकेस के लिए तारपोलिन इतना लगेगा। चलो ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत बच्चे भी सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहे हैं, आप पता नहीं क्या जा रहे हो, है ना, टेंशन मत लो, मुझे सब पता है क्या है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, मैंने एक सूटकेस पे कितना तारपोलिन लगेगा निकाल लिया, 100 सूटकेस के लिए कितना तारपोलिन लगेगा वो भी निकाल लिया। मुझे ये बोल रहा है तारपोलिन जब आप लेने जाओगे तो आप क्या बोलोगे दुकानदार को, दुकानदार को आप यही तो बोलोगे भैया 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने कि 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का तारपोलिन निकाल के हमको दे दो, यही तो बोलोगे है? जितना चाहिए उतना ही तो बोलोगे, तारपोलिन दे दो हमें। अब भैया वो तारपोलिन निकालेगा, तारपोलिन का एक कपड़ा होता है बेटा, तारपोलिन का कपड़ा लंबा होता है बहुत, ध्यान से देखो। अब मान लो उसने तारपोलिन का कपड़ा निकाल के दे दिया आपको, देखो ये रहा ऐसे लंबा चौड़ा एक कपड़ा निकाला उसने, बहुत लंबा चौड़ा ही है। चलो आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटा छोटा सा है, मैं बड़ा से बना देता हूं आपको तारपोलिन का कपड़ा, ये रहा तारपोलिन का कपड़ा, ये रहा तारपोलिन का कपड़ा, लो ये है आपका तारपोलिन क्लोथ। हमें तो पता है भैया हम तारपोलिन कपड़ा लेने जा रहे हैं ना, ये तारपोलिन कपड़ा जो होगा जो हम लेंगे वो कितना लेंगे, एक काम करो
दीक्षा कुमारी आप बताओ, आपको 100 सूटकेस के लिए तारपोलिंग का कपड़ा लेना, बहुत बड़ा तारपोलिंग का कपड़ा है, ये कपड़े का एरिया कितना होगा बताओ, कितना कपड़ा लोगी आप बताओ, आप कितना कपड़ा लोगी, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगी या 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगी? 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल दीक्षा कुमारी ने सही कहा इतना, तो मतलब ये जो कपड़ा ले रहे हैं बच्चों उसका एरिया भी क्या होगा, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, गलत तो नहीं बोला ना, इतना ही तो होगा और क्या होगा, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पता है क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है हाउ मेनी मीटर ऑफ तारपोलिन विद 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू 100 सच सूटकेसेस। वो कह रहा है कि जब आप 100 सूटकेस के लिए तारपोलिन का कपड़ा लेने आओगे तो उसकी ब्रेथ दे रखी है हमें 96, ब्रेथ इसे कहते हैं 96 सेंटीमीटर है, आपको ये लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, समझ में आना चाहिए भाई, मैंने तारपोलिन का कपड़ा बना दिया, मुझे तारपोलिन के कपड़े का एरिया कैसे पता चला, यार जितना मेरे 100 सूटकेस में एरिया चाहिए उतना ही तो तारपोलिन का कपड़ा लेंगे, एरिया मिल गया, और तारपोलिन के कपड़े की ब्रेथ दे रखी है यहां पे बोला है विद 96, हमें निकालनी क्या है, लेंथ निकालनी, तो चलो निकालते हैं लेंथ। एक बात बताओ, एरिया ऑफ तारपोलिन क्लोथ कितना है भाई, एरिया ऑफ तारपोलिन क्लोथ, जिस तारपोलिन के कपड़े को हम खरीदने जा रहे हैं उसका एरिया कितना होगा, यही होगा 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना उसका एरिया, तो एरिया ऑफ तारपोलिन, तारपोलिन की शेप कैसी है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया आता किससे है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ तारपोलिन कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल की जगह इक्वल, ये रहा लेंथ की जगह क्या रखेंगे, लेंथ तो पता ही नहीं है हमें, पता ही है लेंथ, देखो यानी लेंथ हमें पता है नहीं, तो लेंथ की जगह तो लेंथ रख दिया, ब्रेथ हमारी क्या होगी, ब्रेथ आप देख सकते हो 96 सेंटीमीटर है, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आप सब जानते हैं वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड भी कर देते हैं लो, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूर्वी गंचियापड़ प्लीज इधर देख लीजिए बेटा, तो ध्यान से देखना बच्चों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, एक सेंटीमीटर बचेगा, अब 96 को इससे काटना है तो काट लेते हैं बच्चों, इसे जल्दी से डिवाइड वाइड कर करके, हैं जल्दी से आप लोग अब डिवाइड करो और काटो, देखो क्या आता है, जल्दी से काटते हैं, तो बच्चों ने काट लिया, बच्चों बहुत देर में काटा है इन्होंने, ये कटा है पूरा 144.00, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इधर ध्यान से देखना बच्चों हमारी लेंथ कितनी आ गया 144.00 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है हाउ मैनी मीटर, क्वेश्चन ने आंसर मीटर में पूछा है, अगर सेंटीमीटर को हटाकर मीटर लेकर आना है बड़ा आसान है, देखो 144.00 मीटर बना दिया, सेंटीमीटर से हटाकर मीटर बना दिया, बस डिवाइड कर देते हैं 100 से, किससे कर देते हैं 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कटी, आंसर कितना आ गया 144 मीटर, माने कि जिस कपड़े को मैं खरीद कर लेकर आऊंगा ना 100 तारपोलिन को कवर करने के लिए, उसकी ब्रेथ तो हमें बता रखी है क्वेश्चन ने कितनी है, 96 है ना, ब्रेथ बोली है उसने, बोला था कितनी लेंथ होगी उसकी, तो लेंथ कितनी होगी बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं 144 मीटर होगी लेंथ, उस कपड़े की लेंथ कितनी होगी 144 मीटर, तो ये था क्वेश्चन, मैंने जिसे तोड़ के करवाया बेटा, से दो बार जरूर करना, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं, जल्दी से कर लो उसे, तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार दिया होगा, तो चलिए अब वीडियो को करते हैं एंड, तो तब तक के लिए अगर आपको डीमैस की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय।